कई बार ऐसा होता है जब हम ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की प्राइस तो बढ़ रही होती है, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट यानी प्रीमियम की प्राइस नहीं बढ़ रही होती है। मार्केट ऊपर भी चली जाती है लेकिन वहाँ पर हमें लॉस ही होता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो हमें यहाँ पर सही प्रीमियम को चुनना बहुत जरूरी है। जब तक हम सही प्रीमियम में एंट्री नहीं लेंगे तब तक हम प्रॉफिट नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सही प्रीमियम को चुन लें तो हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन सही प्रीमियम में एंट्री बनाने से हमारी प्रॉफिट करने का चांस बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होते हैं, किसका क्या काम है और हम जैसे बिगनर्स को किस में एंट्री बनानी चाहिए। देखिए इस वीडियो में हम आईटीएम एटीएम ओटीएम को अच्छे से समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिगनर हैं तो कम रिस्क लेने के लिए आपको किस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। हम में से ज़्यादातर लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो हम निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन चयन का ऑप्शन दिखेगा। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। इस साइड कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इस साइड पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट हैं। देखिए पहले हमें इस कन्फ्यूजन को दूर करना होगा। प्रीमियम, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस तीनों सेम होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इन्हें नाम देते हैं। कुछ लोग प्रीमियम प्राइस बोलते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं और कुछ लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस साइड कॉल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इस साइड पुट के कॉन्ट्रैक्ट हैं। देखिए जब हमें लगता है कि मार्केट अप में जाने वाला है तो हम कॉल के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाते हैं, और जब हमें लगता है मार्केट डाउन जाने वाला है तो हम पुट साइड के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया, जब मार्केट बुलिश होगी तो हमें कॉल के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी है और जब मार्केट बेरिश होगी तो हमें पुट के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी है। अब समझते हैं एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होते हैं। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। कॉल साइड के ये सारे ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट आईटीएम हैं, यह दोनों कॉन्ट्रैक्ट एटीएम हैं और इसके नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट ओटीएम हैं। यहाँ पर आपको इस ब्लैक पट्टे पर एक नंबर दिख रहा होगा, इसे हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, जो निफ्टी 50 का करंट प्राइस बता रहा होता है कि अभी निफ्टी 50 किस प्राइस पर चल रही है। देखिए आईटीएम का मतलब होता है मार्केट ने इस प्राइस को अचीव कर ली है, एटीएम का मतलब होता है अभी मार्केट इस प्राइस के आसपास चल रही है और ओटीएम का मतलब होता है मार्केट वहां तक जाना चाहती है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे अभी निफ्टी 50 की करंट प्राइस 20,990 रुपए के करीब में चल रही है और यहां पर इसने 20,800, 20,850, 20,900 इन प्रीमियम को मार्केट ने अचीव कर लिया है, इसलिए इसे हम इन द मनी कहेंगे क्योंकि मार्केट ने इन्हें अचीव कर ली है। अब मार्केट 20,950 और 21,000 के आसपास में चल रही है, मार्केट 21,000 तक भी पहुंच सकती है और 950 के नीचे भी जा सकती है, इसलिए यह एट द मनी है, मतलब कि मार्केट ऊपर नीचे हो रही है और इसके नीचे यह सारे कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी है क्योंकि मार्केट को इन नंबरों को अचीव करना है। वैसे ही पुट साइड में यह नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी है, यह कॉन्ट्रैक्ट एट द मनी है और यह ऊपर वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी है क्योंकि पुट साइड में मार्केट ने इन नंबरों को अचीव कर लिया है, अभी इन दोनों के पास है और इन नंबरों को अचीव करना है क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तभी तो यह स्पॉट प्राइस ऊपर जाएगा और यह नंबर अचीव होंगे। देखिए हम जैसे बिगनर्स के मन में एक सवाल आता होगा, जब मार्केट ऊपर जाने वाली होगी तो इनमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर सकते हैं और जब मार्केट नीचे जाने वाली होगी तब इनमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर सकते हैं। देखिए ज्यादातर बिगनर यहीं पर गलती करते हैं, उनके पास कैपिटल कम होता है और वह कम प्राइस वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं। मार्केट तो ऊपर जाती है लेकिन उनका प्रीमियम का प्राइस नहीं बढ़ता और मार्केट ऊपर जाने के बाद भी उन्हें वहां पर लॉस हो जाता है। देखिए ऑप्शन में कुछ ग्रीक्स काम करते हैं जैसे कि डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। देखिए हम जैसे बिगिनर्स को दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, थीटा और डेल्टा। हम जैसे जैसे ट्रेडिंग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही धीरे धीरे हमें हर एक चीज पता चलने लगेगी, लेकिन फिलहाल में हमें दो चीजों को जानना है, डेल्टा और थीटा। देखिए थीटा का मतलब है टाइम डिके। आपने देखा होगा जब प्रीमियम की एक्सपायरी पास आती है तो सारे प्रीमियम की प्राइस कम हो जाते हैं क्योंकि वहां पर थीटा बढ़ जाता है और सारे प्रीमियम की प्राइस कम होने लगते हैं। देखिए हम जैसे बायर्स के लिए डेल्टा ज्यादा होना चाहिए और थीटा कम होना चाहिए। हम जिस प्रीमियम में एंट्री लेने वाले हैं हमें यह देखना है
उसका डेल्टा ज्यादा होना चाहिए और उसका थीटा कम होना चाहिए। मान लीजिए हम जिस प्रीमियम में एंट्री लेने वाले हैं उसकी डेल्टा 0.5 है, अगर निफ्टी 50 21,000 से 21,050 जाती है तो वहाँ पर हमारी प्रीमियम 25 रुपये बढ़ेगी। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब निफ्टी 50 की प्राइस 50 रुपये बढ़ती है तो प्रीमियम की प्राइस 25 रुपये तो बढ़ती है, लेकिन कुछ देर बाद निफ्टी 50 की प्राइस थोड़ी सी नीचे आकर और वहाँ पर सस्टेन करने लगती है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है तो अचानक से हमारे प्रीमियम की प्राइस गिरने लगती है, और जब मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तब भी हमारी प्रीमियम की प्राइस नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में थीटा टाइम को लूज करने लगता है और डेल्टा की वैल्यू कम होने लगती है, इसलिए प्राइस ऊपर जाने के बाद भी हमारा प्रीमियम वहीं पर होता है या तो नीचे चला जाता है। मुझे पता है हम में से ज्यादातर बिगिनर इन चीजों को इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे और ना ही हर ट्रेड लेते समय इन्हें देख पाएंगे, तो इसलिए अगर आप इनके साथ ट्रेड लेना चाहते हैं तो अब मैं आपको जो बताता हूँ आपको वो फॉलो करना है। आप डेल्टा और थीटा के हिसाब से ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। बिना डेल्टा और थीटा को देखे आप सही प्रीमियम प्राइस को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को समझिए। देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप दोनों साइड के आउट ऑफ द मनी में अपना ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट तक अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, तो इसलिए आप चाहें तो आउट ऑफ द मनी के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले सकते हैं। अब ऐसा ना हो आप बिल्कुल नीचे के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लें, अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ेगी तो आपका प्रीमियम 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ेगा, तो इसलिए आपको अगर आउट ऑफ द मनी में एंट्री लेनी है तो इनमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाइए। क्योंकि आप देखिए अभी मार्केट 21,000 रुपये पर चल रही है और मार्केट को 21,500 रुपये जाने में कितना टाइम लग सकता है, इसलिए हम जितने करीब के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तब आप आउट ऑफ द मनी के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10,000 रुपये से ऊपर का कैपिटल है और आप मार्केट में 1 घंटे या 2 घंटे अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर इन द मनी के किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, वह चाहे कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट हो या पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट हो, जब हम इन द मनी में ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर हमारा डेल्टा हाई होता है और थीटा कम होता है, क्योंकि मार्केट ने उन प्रीमियम को अचीव कर लिया है। अगर मार्केट गिरती भी है तो वहां तक आने में उसे काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए आपका कैपिटल ठीक ठाक है, आप जिस स्ट्रेटजी को यूज करके ट्रेड लेते हैं उसमें आपको 1 या 2 घंटे अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेनी चाहिए। इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट में आप इनमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले सकते हैं, और अगर आपका कैपिटल थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो आप एट द मनी में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब आप एट द मनी में ट्रेड लें तो कोशिश करें 30 से 40 मिनट के अंदर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दें। देखिए, इस तरह आप बिना ऑप्शन ग्रिक्स को देखे सही प्रीमियम को सेलेक्ट कर सकते हैं और लॉस करने से बच सकते हैं। अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है और आपको अभी इन सब चीजों पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इस तरह आप सही प्रीमियम को सेलेक्ट करके अपना ट्रेड ले सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ATM, ITM, OTM समझ में आ गए होंगे और यह डेल्टा थीटा कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी आपको नॉलेज हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।